जहाँ से आपका पार्ट 4 स्टार्ट होता है, जैसे हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर के अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो फैक्टर है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में करना है कि x प्लस 1 है, क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, आपको चेक करना है। x प्लस 1 है, क्या इसका फैक्टर है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो हम वही मेथड यूज करेंगे, पहले x प्लस 1 है उसको हम 0 कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये 1 राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ गया, इसलिए ये -1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेस टू क्यूब प्लस -1 रेस टू स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। p ऑफ -1, -1 की पावर ओड में आ रही है इसलिए -1 आंसर आएगा, -1 की पावर इवन में आ रही है इसलिए +1 आंसर आएगा। ये -1 एज इट इज और ये +1 एज इट इज। p ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस कट हो गया, माइनस प्लस कट हो गया, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब रिमाइंडर 0 आने से एक बात का इंडिकेशन मिलता है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से, चलो ओके। अभी हम आगे बात करेंगे, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये k माइनस 1 है वो ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल का 0 है ऐसा आपको बताया हुआ है। तो क्या करना है कि k माइनस 1 को आपको पहले 0 कर लेना है। यहाँ पे देखिए k माइनस 1 आपको ये फैक्टर है ऐसा दिखाया हुआ है, आपको p प्लस x कितना दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k दिया हुआ है, राइट। और एक और चीज बोली हुई है कि यहाँ पे x माइनस 1 है वो क्या है, इसका फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x पूरा 0 हो जाएगा। तो चलिए हम पहले k माइनस 1 की वैल्यू इसके अंदर रख लेते हैं। अब देखो k माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब जहां पे x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। मगर ये k माइनस 1 तो इसका फैक्टर था, इसलिए इसके RHS में हमें क्या रखना पड़ेगा, फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे आपको k की वैल्यू, x की वैल्यू, m की वैल्यू ढूंढने के लिए बोलते हैं और फैक्टर दिया रहता है, तो और कुछ नहीं है, हम हर बार जो मेथड करते हैं वही मेथड करनी है। जैसे देखो इसको मैंने पहले यहाँ पे 0 रख के k की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे हो सकता है आपको x माइनस 1 दिया हो, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से पहले आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसको यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 रख दिया, और यहाँ पे ये फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या रखा यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 रखा, क्योंकि फैक्टर की वैल्यू हमेशा पॉलिनोमियल को 0 बनाती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से, चलिए ओके। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैंने एलजेब्रा की सीरीज के अंदर
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के काफी सारे वीडियोस बना के दिए हुए हैं और एक वीडियो में करीबन 10 से 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको सॉल्व करना है। तो आप हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला वीडियो एक बार जरूर से देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो एक बार रखी हुई है, तो आप एक बार चेक कर लेना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखो, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज से कवर करवाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगर एक्सरसाइज चेंज होगी तो हम आपको नए पार्ट में मिलेंगे। तो यहां पे देखो, हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है इसी एक्सरसाइज के अंदर। अब कैसे फैक्टराइज करना है, देखो फैक्टराइज का मतलब होता है कि उसको छोटा करना, राइट। अब आपको क्या करना है कि फैक्टराइज करने के लिए आपको ये जो चार नंबर्स, चार टर्म दिए हुए हैं, उसमें से आपको पहले 6 टर्म बनाने होंगे और 6 टर्म में से हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो जाएंगे तो ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम आपको पार्ट 5 में मिलेंगे और ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे पार्ट 5 में हम आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे।